नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर से हो जाइए तैयार एक और नया शानदार धमाकेदार कार का रिव्यू और फोर्ड सेल कार का वीडियोस देखने के लिए। जी हाँ, आज हम फिर से लेकर के आ चुके हैं आप लोग के लिए एक और शानदार कार टाटा नैनो जो कि फोर्ड सेल पे। तो आज हम बताएंगे इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिल जाती है और कितने रुपये में आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताऊँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको नॉर्मल हाइलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाता है और साइड इंडिकेटर की बात करें तो हेडलाइट इन ब्यूल्टी आपको साइड इंडिकेटर में मिल जाएगा। और इसमें अगर हम फॉग लैंप की बात करें तो जी हाँ, फॉग लैंप भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे की गाड़ी है, तो लगभग फीचर सारा आपको टॉप मॉडल वाले ही मिलता है इसमें। इसमें आपको फ्रंट में सिंगल वाइपर मिल जाएगा विथ वॉशर और छत के ऊपर आपको सिंगल एंटीना भी इस गाड़ी के अंदर दिया गया। साथ में कुछ इस टाइप सा इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। इंटीरियर इसका काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम देखने को मिल जाएगा और इस गाड़ी को बहुत लोग पसंद करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की वजह से भी। तो चलिए मैं बताता हूँ इंटीरियर में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको डुअल टोन कलर के साथ इंटीरियर मिल जाएगा जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। और अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी कि मीटर के बारे में, तो मीटर इसका नॉर्मल बेसिक सा दिया गया, कोई भी डिजिटल मीटर इसमें नहीं आती है दोस्तों। और अगर हम बात करें फ्रंट में स्पेस की, तो इसमें आपको फ्रंट में दो बड़े बड़े ग्लव बॉक्स दी गई हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पेस है। और ग्लव बॉक्स के जस्ट बगल में आपको दो स्पीकर्स भी दे दिया गया जिसमें आप गाने सुन सकते हैं। और दो स्पीकर इसमें पीछे यानी कि बूट के अंदर मिल जाती हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो इस गाड़ी के अंदर आपको चार स्पीकर देखने को मिल जाएगा, चारों के चारों वर्किंग कंडीशन में। और अगर हम बात करें इस गाड़ी के एसी के बारे में, तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट में चार एसी वैंड मिल जाएंगे और चारों के चारों वर्किंग कंडीशन में। अगर हम पीछे की बात करें तो इसमें आपको पीछे में एक भी एसी वैंड देखने को नहीं मिलता। और एसी जो इस गाड़ी का होगा वो आपको विथ हीटर के साथ मिल जाएगा। एसी कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो आपको मैनुअली मिलता है, वो आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं दिया जाता। और अगर मैं आपको म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताऊं तो इसमें जो म्यूजिक सिस्टम लगी है वो कंपनी फिटेड है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर्स मिल जाएगा। सो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने फ़ोन को और आराम से इसमें गाना सुन सकते हैं। और स्टेयरिंग के बारे में बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको थ्री स्कोप स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको म्यूजिक का जो होता है कंट्रोल्स हो तो देखने को नहीं मिलेगा, ना ही क्रूज कंट्रोल मिलेगा। लेकिन पावर स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो जी हाँ, पावर स्टेयरिंग बेशक इसमें आपको मिल जाएगा। इसका जो गियर बॉक्स है आपको मैनुअली देखने को मिल जाता है और फ्रंट के दोनों विंडोज आपको पावर बटन के साथ देखने को मिल जाएंगे। और सीट की अगर हम बात करें तो सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाएगा। और टाटा कंपनी की गाड़ी है तो मुझे नहीं लगता कि कंफर्ट और बिल्ट वेल्ट के बारे में इस पर ज़्यादा कुछ चर्चा करने की मुझे ज़रूरत है, जो कि आपको अच्छे से पता होगा। कुछ इस टाइप से इसका मीटर जो कि देख सकते हैं, 120 का टॉप स्पीड है, हालांकि गाड़ी इतना जाती नहीं है, गाड़ी 90-100 के आसपास ही जाती है। और कितने किलोमीटर चली है वो आप देख सकते हैं ओडोमीटर पर। और कुछ इस टाइप से आपको रियर का प्रोफाइल इसका देखने को मिल जाता है। पीछे से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है, जिसमें आपको पीछे में ब्रश सा विंडशील्ड देखने को मिल जाएगा। और पीछे में अगर हम बात करें डिफॉगर या फिर रियर वाइपर की, तो दोस्तों इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, नॉर्मल बेसिक से ही है। और टेन लाइट्स की अगर हम बात करें तो टेन लाइट इसमें नॉर्मल बल्ब वाला दिया गया, कोई एलईडी टेन लाइट इसमें नहीं दिया जाता। और अगर आप इसमें एलईडी लगवाना चाहें तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं। साथ में इसमें पीछे में आपको स्पॉयलर मिल जाएगा, अगर बेस मॉडल लेंगे तो उसमें आपको स्पॉयलर देखने को नहीं मिलता। पीछे में आपको स्टॉप लाइट मिल जाएगी। रिफ्लेक्टर की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्टर नहीं मिलता, स्पेस दिया गया बट रिफ्लेक्टर इसमें आपको नहीं मिलेगा। साथ में टाटा की बैजिंग, नैनो एक्सटी की बैजिंग मिल जाती है। पीछे से आप इसका बूट ओपन नहीं कर सकते। जब मैं बोलता हूँ ना कि पीछे बूट ओपन नहीं कर सकते, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि इसमें बूट दिया ही नहीं गया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों ऐसा कोई सीन नहीं, इसमें बूट दिया गया है। बूट को आपको यूज़ करना है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। 280 लीटर का इसमें बूट दिया गया है। बूट यूज़ करने के लिए आपको पीछे का जो डोर है आपको ओपन करना पड़ेगा, देन जो पीछे का सीट है उसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, पीछे में जो स्पेस बचेगा ना आपका बूट स्पेस होगा। तो बूट इसमें दिया गया, ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि बूट नहीं दिया गया। और अगर हम इंजन की बात करें तो गाड़ी का जो इंजन है आपको पीछे में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, गाड़ी का इंजन पीछे में, साथ में क्रोम की फिनिशिंग कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। और कुछ इस टाइप से गाड़ी की साइड प्रोफाइल है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और जैसा कि सेकेंड हैंड गाड़ी है तो दोस्तों सेकेंड हैंड गाड़ी का टायर कंडीशन जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर मैं आपको इसका टायर कंडीशन बताऊं तो इसमें आपको टायर कंडीशन देखने को मिल जाएगा 60-70% के आसपास। जी हाँ, एक सेकेंड हैंड गाड़ी होने के बावजूद भी 60-70% के आसपास आपको टायर की लाइफ मिल रही है, तो और क्या ही चाहिए। साथ में अगर हम व्हील कैप्स की बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी एलॉयस नहीं आती है, नॉर्मल स्टील व्हील आपको रिम देखने को मिलेगी। अगर आप इसमें एलॉय लगवाना चाहें आफ्टर मार्केट तो वो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ओआरवीएम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ओआरवीएम इसमें नॉर्मल बेसिक सा दिया गया, कोई भी इसमें आपको ऑटो फोल्डेबल या फिर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल जैसा ओआरवीएम नहीं दिया गया। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के मॉडल के बारे में। तो आप देख रहे हैं टाटा नैनो 2016 मॉडल। जी हाँ, काफ़ी अपर मॉडल गाड़ी है
और अगर हम बात करें वेरिएंट की, तो जो गाड़ी है पेट्रोल वेरिएंट में आती है। पेट्रोल पर अगर मैं आपको इसका एवरेज बता दूं तो आपको सिटी में बहुत ही आराम से दोस्तों निकाल के दे देती है 19-20 की, और हाईवे की बात करें तो हाईवे पर आपको 26-27 एवरेज बहुत आराम से निकाल के दे देगी। और अगर आप इसमें CNG लगवाना चाहें तो जी हाँ बिल्कुल आप CNG भी लगवा सकते हैं, CNG में भी कोई दिक्कत नहीं है। CNG दोस्तों आप नैनो के अंदर दो तरीके से लगवा सकते हैं, एक तो हो गई आपकी ब्रांड न्यू CNG और दूसरी होगी आपकी सेकेंड हैंड CNG। तो सबसे पहले तो डिपेंड आपको पर करेगा कि आप कौन सा CNG लगवाएंगे, ब्रांड न्यू या फिर सेकेंड हैंड। अगर आप गाड़ी में सेकेंड हैंड CNG लगवाएंगे तो दोस्तों आपको 15,000 के अंदर में आराम से CNG लग जाएगा, वहीं अगर आप ब्रांड न्यू लगवाएंगे तो 30,000 के आसपास आपका खर्चा आएगा। और इस गाड़ी में अगर आप CNG लगवाते हैं तो दोस्तों CNG में आपको 5 किलो तक का टैंक लगवा सकते हैं, उससे बड़ा आप इस गाड़ी के अंदर नहीं लगवा सकते हैं टैंक। और एवरेज की अगर हम बात करें तो सिटी में एवरेज आपको CNG पर आराम से 27-28 की निकाल के दे देगा, और हाईवे की बात करें तो हाईवे पर आपको 32-35-40 पे आराम से निकाल के दे देगा। ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, एवरेज में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलता। गियर की बात करें तो इसमें मैनुअल गियर दिया गया। ऑनरशिप में आपको बताऊँ तो फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, आप जब गाड़ी को लेंगे तो बन जाएंगे इस गाड़ी के सेकेंड ऑनर। साथ ही साथ इस गाड़ी का जो NOC होता है वो भी अवेलेबल है, तो आप कोई भी स्टेट से या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट से बिना कोई परेशानी के आप बहुत ही आराम से इस गाड़ी को बाई कर सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको NOC के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। NOC का मतलब होता है कि अगर आप कोई अदर स्टेट की गाड़ी अदर स्टेट में ला रहे हैं, जैसे कि आप दिल्ली की गाड़ी बिहार में ला रहे हैं, तो वहाँ पर आपको NOC की ज़रूरत पड़ेगी, NOC पेपर ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कि नैनो, अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो NOC की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ले लीजिएगा उस गाड़ी का। तो चलिए ये तो थी कुछ बारे में हम बात कर लिए, अभी हम देख लेते हैं इस गाड़ी का इंजन आपको कैसा देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 624 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बढ़िया परफॉर्म करती है। 2 सिलेंडर इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। और अगर हम बात करें पावर की ये जो गाड़ी है कितनी पावर जनरेट करती है, तो दोस्तों ये जो गाड़ी है पावर जनरेट करती है 37.48 BHP की। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है 51 Nm का। जी हाँ, 51 Nm का ये गाड़ी अभी तक मैं आपको टॉर्क दे देगी, जो कि अगर हम जाम वाम के टाइम में या फिर ओवरटेकिंग के टाइम में देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित करती है। और अगर हम बात करें इसमें सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसमें आपको सीटिंग कैपेसिटी दोस्तों देखने को मिल जाता है 4 लोग का। हालांकि आप चाहें तो 5 लोग को भी बहुत ही आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठा सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में आपको बताऊं दोस्तों इस गाड़ी के बूट स्पेस तो मैंने आपको बता ही दिया था, 280 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस मिल जाएगा। इसमें आपको दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी 24 लीटर का देखने को मिल जाता है। जी हाँ, यानी कि एक बार में आप इसमें 24 लीटर तेल जो है ना आप बहुत आराम से डलवा सकते हैं और गाड़ी को चला सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस बताऊँ तो इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, नो डाउट। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में, आखिरकार कितने रुपए में ये जो गाड़ी है आपकी अपनी हो सकती है। तो दोस्तों इस गाड़ी को लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 1,10,000 रुपये। जी हाँ, प्राइस जो है नेगोशिएबल है, प्राइस बिल्कुल फिक्स नहीं, क्योंकि आप हमारे चैनल पर वीडियोज़ देख रहे हैं और हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आती हैं लगभग सारी के प्राइस नेगोशिएबल ही होती हैं। तो ये भी गाड़ी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 70,000 से 80,000 में आपको अपनी पड़ जाएगी, ठीक है। रही बात ऑनर के कॉन्टैक्ट नंबर की, तो ऑनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको डिस्प्ले पे प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना, सीधा ऑनर से बात हो जाएगा। जो भी आपको गाड़ी के बारे में डिटेल्स चाहिए आप बात करके पूछ सकते हैं, और गाड़ी पसंद है तो गाड़ी को आप ले भी सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।